हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि क्या निफ्टी यहां से 10,000 या 11,000 जा सकती है। वो कौन से इंडिकेटर हमें संकेत मिल रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा लेवल है जिस लेवल के पार होते हम और भी ज्यादा बुलिश हो जाएंगे, या फिर अगर वो लेवल पार नहीं हुआ तो हम वहां से दोबारा नीचे भी आ सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और हम फाइनल कंक्लूजन भी निकालेंगे कि हमारा नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन के लिए, मंडे के लिए हमारा क्या व्यू हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और अपना व्यूज आपको शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पॉजिटिव इंडिकेट हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के चार्ट पर, कि जिससे हमें ये लगता है कि यहाँ से निफ्टी और भी ज्यादा ऊपर की साइड जा सकता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कि ये एमएसीडी का इंडिकेटर है। एमएसीडी के इंडिकेटर में हमें यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हिस्टोग्राम्स हैं वो ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं हिस्टोग्राम्स। और जो इंडिकेटर भी है, एमएसडी इंडिकेटर भी ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट हमें यहाँ से इंडिकेटर मिल रहा है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर की साइड जा सकता है। और सेकंड जो हमें आरएसए देखने को मिल रही है, आरएसए भी नीचे की लो पॉइंट से आकर ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये 50 तक पहुंचा भी, 50 को क्रॉस नहीं किया है। और तीसरा हमें अब इंडिकेटर मिल रहा है कि जो लास्ट डे क्लोजिंग हुई है वो 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है। जो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था वो 20 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग प्राइस के ऊपर क्लोज हमें देखने को मिला। तो ये मैंने आपको तीन इंडिकेट बताए हैं कि जिससे हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन अब दोस्तों, हम ये भी इंडिकेटर हम देखेंगे या संकेत देखेंगे कि वो कौन सा लेवल है कि जिस लेवल को पार करने के बाद ही निफ्टी और ज्यादा बुलिश होगा, मीन्स अभी वो कौन सा लेवल है जो अभी हर्डल बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे पीवट पॉइंट की। पीवट पॉइंट अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि पीवट पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाए अलग से, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं आज आपको एक ब्रीफ में आपको ये बता रहा हूं कि जैसे पीवट पॉइंट काफी डेली के चार्ट में काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि डेली के चार्ट पे ये जो पहले पीवट पॉइंट था, इसका लास्ट मंथ जो इसका पीवट पॉइंट था वो था 11,560 का। तो जब ये 11,560 का लेवल लास्ट मंथ ब्रेक हुआ था पहले के मंथ में, तो वहां से आप देख पा रहे होंगे कि पीवट पॉइंट के नीचे जब तक हम थे उसके नीचे हम नीचे की साइड ही चलते रहे। लेकिन उससे मार्च के मंथ में भी ये वैसे पीवट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि मार्च के मंथ में यहाँ पर ब्रेक हो गया था, और सॉरी फेब के मंथ में ब्रेक हो गया था, और फेब के मंथ में भी हम नीचे की साइड में थे, और उसके बाद मार्च में भी हम पीवट पॉइंट के नीचे की साइड में ही हम देखने को हमें जो प्राइस था वो नीचे की साइड ही देखने को मिला। लेकिन जो अप्रैल मंथ में जो आप देख पा रहे होंगे पीवट पॉइंट, वो हमारा पीवट पॉइंट है 9,180। तो अब हम काफी टाइम के बाद पीवट पॉइंट के नजदीक आए हैं। जैसे हम पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फेब मंथ में पीवट पॉइंट के पास थे, और उस पीवट पॉइंट के पास हम काफी देर कंसोलिडेट होते हुए दोबारा हम नीचे की साइड में आए थे। तो अब हम पीवट पॉइंट के पास हम काफी टाइम बाद आ गए हैं, जो 9,180 लेवल है। तो फर्स्ट हमारा हर्डल ये है कि 9,180 पीवट पॉइंट के जब हमें ऊपर की साइड चलेंगे, इसके ऊपर एक दिन की क्लोजिंग मिल जाएगी, तब हम ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारा क्या टारगेट होगा वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको पीवट पॉइंट का भी समझा रहा हूँ कि पीवट पॉइंट 9,180 के ऊपर जब हम चलना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर हम चलते रहेंगे, तो वो हम एक पॉजिटिव इंडिकेटर ऊपर की साइड ही चलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 9,180 के लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं और यहां से अगर रिवर्स ले लेते हैं, 20 डेज के मूविंग एवरेज से भी रिवर्स ले लेते हैं, तो हम दोबारा फिर से नीचे की साइड चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आरएसई इंडिकेटर में भी आप देख पा रहे हो कि अभी 50 के लेवल को इसने क्रॉस नहीं किया है। मैं आपको बैक टेस्ट में बताता हूँ कि इसने कई बार
यहाँ पर 54 से लेकर 55 तक लेवल इसने बार बार टच किया 55 तक, और वहां से फिर से ये वापस आरा से नीचे की छेड़ा में देखने को मिला है। तो आपने, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो तो अगर आप सिर्फ इंडिकेटर देख रहे हो तो आरा से इंडिकेटर और पिवट पॉइंट को जरूर देखिए, इनके ऊपर हम सस्टेन होते हैं तभी उसके ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन को कैरी करते रहिए। और अगर निफ्टी ऊपर की साइड चलना स्टार्ट रहता है तो अगर मूविंग एवरेज के साथ हम अपना टारगेट देखें तो अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज जो हमारा टारगेट निकल कर आता है वो है 10,000 का टारगेट। अगर हम इस पिवट पॉइंट और सारी कंडीशन के हिसाब से अगर ऊपर की साइड चलना स्टार्ट होते हैं तो हमारा जो मूविंग एवरेज जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो होगा 10,000 का लेवल। लेकिन अभी हम टेक्निकल सेटअप के साथ भी देख लेते हैं कि हमें क्या ये ब्रेकआउट मिल गया है और हमारा रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल कौन सा है। दोस्तों हम चलते हैं अपने निफ्टी के अगले सेटअप में। जैसे पहले सेटअप में मैंने आपके साथ काफी इंडिकेटर और पिवट पॉइंट के साथ डिस्कस किया, लेकिन अभी हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें जो पहले हमारा जो ट्रेंड चल रहा था ये आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे नीचे की साइड चल रहा था, फिर यहाँ से यहाँ पर एक फर्स्ट बॉटम बना और उसके बाद से हम ऊपर की साइड में गए 9,000 तक, उसके बाद से फिर हम नीचे 8,000 तक आए और फिर दोबारा फिर हम 9,000 के लेवल तक उसके पास ऊपर आ गए हम। तो आप यहाँ पर एक तरह के देखें कि यहाँ पर एक तरह का ये फर्स्ट बॉटम बना, इसको हम सेकंड बॉटम वैसे हम मान सकते हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जैसे हमारी ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बनी ये नीचे ट्रेंड के बाद, फिर सेकंड भी कैंडल पॉजिटिव बनी और थर्ड भी हमारी पॉजिटिव कैंडल बनी। बट जो आप देख पा रहे हो कि जो बीच वाली सेकंड वाली कैंडल है ये हमारी इतनी पॉजिटिव कैंडल नहीं थी, एक बीरिश कैंडल थी। मैंने पहले अपनी एक पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये एक तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो ये एक तरह की बीरिश कैंडल थी। अगर ये यहाँ पर भी एक पॉजिटिव कैंडल होती तो हमें यहाँ पर हम और भी ज्यादा फुल कॉन्फिडेंस हो जाते कि यहाँ से मार्केट अपसाइड में जाएगा। लेकिन जो ये जो सेकंड वाली कैंडल बनी थी बीच में, तो ये वाली कैंडल हमें थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है कि इसमें हमें इस कैंडल में इस दिन हमें ऊपर की साइड से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। जैसे मैंने आपको बताया कि पिवट पॉइंट के जब तक हम नीचे है तब तक हमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, तो हम पिवट पॉइंट के हिसाब से भी कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो दोस्तों जैसे मैंने आपके साथ ये पैटर्न शेयर किया है कि ये तरह के डब्ल्यू पैटर्न है और ये डबल बॉटम एक तरह का पैटर्न, अगर ये यहाँ से बनता है तो यहाँ से अगर ये आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की ये, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है और वो सारी कंडीशन मेट होती है कि अगर हम पिवट पॉइंट के ऊपर भी जाते हैं, आरएसए भी ऊपर की चलना स्टार्ट होती है और एमएसडी इंडिकेटर भी हमें ऊपर की चार्ट इंडिकेट करता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमें वॉल्यूम को भी देखना पड़ता है और ऑप्शन चैन को भी देखना पड़ता है। वॉल्यूम और ऑप्शन चैन का मैं अलग से वीडियो में अलग से डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, उसको भी अगर मैं साथ में डिस्कस करूंगा। तो अगर हमें वॉल्यूम से भी सपोर्ट मिलता है, वॉल्यूम के साथ में हम ऊपर की साइड में अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा हमारा करीब 10,300 से लेकर 10,000 तक। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिल रहा था, तो ये गैप भी हमारा यहाँ पर दोबारा फिर से यह फिल हो सकता है। और इसी को अगर हम कंटिन्यू ऊपर की साइड में चलते रहे तो ये जो ऊपर की साइड हमारे गैप बने थे और यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस लेवल है 11,100 के पास, तो वहां पर हम दोबारा फिर हम जा सकते हैं अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम के साथ अगर हम ऊपर जाते हैं। अगर वॉल्यूम में दम नहीं होगा, वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं ब्रेकआउट करेंगे तो हम फिर हम जल्दी वापस नीचे भी आ सकते हैं अगर हम दोबारा फिर से पिवट पॉइंट के नीचे गए। तो इसलिए पिवट पॉइंट को भी अपने फोकस में रखना है। और जो मैंने आपको ये सेटअप बताया ये डब्ल्यू पैटर्न और ब्रेकआउट का, तो इस ट्रायंगल पैटर्न इस पैटर्न को भी आपने जरूर आपने वॉच करना है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ से अगर वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिला, पिवट पॉइंट के नीचे भी रहते हैं जो मैंने आपको सारी कंडीशन बताई, और यहाँ से हम ऊपर की साइड की बजाय अगर हम नीचे की साइड चलना स्टार्ट हो गए तो दोबारा फिर से हम दोबारा यहाँ पर 8,000 तक आ सकते हैं फर्स्ट टारगेट, और नीचे हम 7,700 तक भी हम आ सकते हैं और उसके नीचे भी आ सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि 7,700 के नीचे हम मान लो 7,700-7,000 तक गए तो और दोबारा फिर से हम ऊपर साइड में आ सकते हैं। तो ये कई बार जरूरी नहीं होता कि 7,000 ब्रेकआउट होता है एकदम से हम 6,000 पहुंच गए, तो ऐसा भी कई बार नहीं होता। तो यहाँ से कई बार एकदम से हल्का सा ब्रेकआउट होता है और फिर से हम ऊपर की साइड आ जाते हैं, क्योंकि एक बार सबको लगता है कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट सारे सेक्टर लग जाते हैं, लेकिन वो वहां पर क्या होता है ऑपरेटर वहां पर अपनी गेम खेलता है और वो वहां पर एक बाई पोजिशन बड़ी पोजिशन बना लेता है। तो वहां पर हमारी ये संभावना हो सकती है कि यहाँ पर अगर दोबारा प्राइस नीचे आता है और इसके ऊपर हम दोबारा चढ़ना स्टार्ट होते हैं तो ऊपर फिर हम दोबारा फिर से यहाँ पर अटक सकते हैं और ऊपर की तरफ अगर हम दोबारा फिर हमारा ये टारगेट अचीव हो सकता है।
ये मैं संभावना आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर इस बार अगर ब्रेकआउट नहीं हुए तो हो सकता है हम नेक्स्ट टाइम में ब्रेकआउट हो। तो इसलिए अगर इस टाइम पे आपने वॉल्यूम के साथ ही देखना है कि हम ब्रेकआउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जो मैंने आज इंडिकेटर आपको सब बताए हैं कि उन लेवल पे आपने ध्यान रखना है, तभी उसके ऊपर हम और भी ज्यादा बुलिश होंगे, अदरवाइज हम नीचे की साइड में आ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार मंडे को फिर भी कैसे आपने डिसीजन लेनी है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपने अगर आपने फ्रेश सेलिंग तभी करनी है, ये जो आप कैंडल देख पा रहे हो इस कैंडल के नीचे अगर निफ्टी चलना स्टार्ट होता है, इस कैंडल का लो है 8905, आप मोटा मोटा 8900 के नीचे अगर सेल करते हो तभी आप इसके नीचे आप एक सेफ सेल पोजीशन हमारी रहेगी। अदरवाइज हम यहाँ पर अगर सेल करते हो तो थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की साइड में हमें एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगर ऊपर की साइड में आप क्लोज अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो यहाँ पर आप कंटिन्यू लॉन्ग पोजीशन, आपका स्टॉप लॉस भी यही होना चाहिए 8900 का, यहाँ पर आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 9000 का। क्योंकि अगर आप देखोगे कि वन डे सॉरी वन वन आवर के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में, तो वहां पर 9000 के लेवल से बार बार हम ऊपर आ रहे थे, और वो लेवल अगर दोबारा टूट जाता है 9000 का, तो 9000 और उसके बाद 8900 के नीचे टूटता है तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट, ये जो इस कैंडल के लो था, हमारा पास यही आएगा 8750 का फर्स्ट टारगेट आएगा, और उसके बाद हमारा 8500 का आएगा, और उसके बाद हम 8000 का लेवल तक आ सकते हैं। ये तो रहे थे अगर इन नीचे की चढ़ में, ऊपर चढ़ में आपको मैंने बता ही दिया कि अगर हम यहाँ कंटिन्यू रहते हैं स्टॉप लॉस आपने ये 9000 और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8900 का रखना है, और इसके ऊपर हम चलना स्टार्ट रहते हैं तो हमारा ये हम यहाँ पर 9500 और 10000 तक लेवल 10300 तक भी हम आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आपको मंडे को कैसे पोजिशन बनाना है, कि ऊपर की साइड कैसे जाना है, नीचे की साइड में कैसे जाना है, और उस लेवल पर आप ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ लर्निंग सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताना अगर आपको प्योर माइंड के बारे में अलग से एक वीडियो डिटेल में चाहिए तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ट्राई करूंगा आपके साथ ऑप्शन 10 के एनालिसिस की और वॉल्यूम के एनालिसिस करने की। तो मिलेंगे फिर हम एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।